विद्या बहनों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा तृतीय और विषय हिंदी में ये पाठ हमारा 3 है, अभ्यास क्रमांक 19 है और किताब में पेज नंबर 18 है और ये किताब में प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में देखिए लिखा है एक पंथ दो पाद। एक पंथ दो पाद क्या है? एक लोक्ति है। इसी तरह की 5 और लोक्तियों को उनके अर्थ के साथ लिखिए। तो इस प्रश्न में जैसे एक लोक्ति दी हुई है, इसी तरह की अन्य 5 और लोक्तियां हमें लिखना है। तो ये किताब में देखिए, ये प्रश्न नंबर 6 है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है बुक में। तो ये प्रश्न है, इसका उत्तर देखिए यहाँ से। अब तो इसमें पहली लोक्ति है, हमने लिखी है घर का भेदी लंका ढाए। ये एक लोक्ति है और इसका अर्थ लिखना है आपको। इसका माने ये हुआ है घर का भेद जानने वाला विनाश कर देता है। ये हो गई। नंबर 2 लोक्ति देखिए, काला अक्षर भैंस बराबर। इसका अर्थ हुआ बिल्कुल अनपढ़, इसका ये अर्थ लिखेंगे। नंबर 3 दूर के ढोल सुहावने। इसका अर्थ हुआ दूर से हर वस्तु अच्छी जान पड़ती है। नंबर 4 दूध का दूध पानी का पानी। इसका अर्थ हुआ उचित न्याय। नंबर 5 लोक्ति है सांच को आँच नहीं। इस लोक्ति का अर्थ है सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं। तो हमने भैया बहनों ये 5 लोक्तियां पढ़ी हैं और एक 6ठी लोक्ति है एक पंथ दो काज। ये लोक्ति आपके प्रश्न में भी लिखी हुई है। इस लोक्ति का अर्थ है एक काम से अनेक लाभ, यानी हम एक काम करते हैं उसके साथ साथ हमें अनेक लाभ भी साथ साथ होते हैं। तो ये हमारी 1 से लेकर 6 तक लोक्तियां हैं और साथ में ही उनके अर्थ भी लिखे हुए हैं। ये आप अपनी कॉपी में अच्छी राइटिंग में लिखेंगे और उनको याद भी करेंगे। और इसके बाद में होमवर्क में देखिए लिखा है पाठ 1 से पाठ 3 तक सभी कार्य याद करें। ये क्यों याद करना है आपको? क्योंकि 24 से आपकी परीक्षाएं शुरू हैं। हमने हिंदी की कॉपी में जो भी लिखवाया है वो सभी आपको याद करना है। अगर आप 1 से 3 पाठ तक लिखा हुआ सारा काम याद कर लेते हैं तो आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे ढंग से हो जाएगी। इसका ध्यान रखेंगे। थैंक यू।